आपको पालोगे। हमें और कोई काम नहीं है आपको पालो करने के सिवा, है तो नो, हमें और कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है तो नो, तो नो, जैक, जैक दिखा पहना हुआ है आपने, अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू रॉक एंड रोल। आप सब कैसे आए हो, सब ठीक हैं? और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो गाइस, ये हो गया है रात का टाइम और साथ साथ अरूज जो है ना स्टडी कर रही है, मैं किचन में आ गई हूँ अब। कल इनका जो है ना एमरेट्स का एग्ज़ाम है, एमरेट्स प्लस MSCS, सो मैं इसको साथ तैयारी करवा रही हूँ। और मैंने सोचा कि साथ साथ जो है ना आज मैंने ना बनाने हैं विंग्स, सो मैंने सोचा कि आज ना विंग्स को मसाला लगाते हैं। और इसकी रेसिपी मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूंगी विंग्स की, सो मैंने सोचा कि क्यों ना कैमरा भी ऑन कर लिया जाए और आपके साथ रेसिपी भी शेयर की जाए। तो गाइस, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर दें और बेल को डिंग कर दें, ठीक है? तो सो गाइस, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि मैं विंग्स को पहले मैरिनेट के लिए मसाला लगाऊंगी, फिर उसके बाद हम इसको स्टीम पे ही कुक करेंगे। यस, ठीक है। और आप जो मैं आपको मेथड बताऊंगी इसी में आप जो है ना फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी जो है ना चॉइस है। सो मैं आज जो है ना स्टीम करूंगी, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे आ गए हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने जो है ना विंग अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे और विंग्स को वॉश करके मैंने एक बाउल ले लिया था। बाउल में मैंने इसको इस तरह से रखा है, ऊपर से इसकी स्किन नहीं आपने रिमूव करनी, ठीक है? तो वैसे ये भी चॉइसेस पे है, अगर कोई करना भी चाहे तो कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर स्किन जो है ना रिमूव नहीं होती है। तो बाकी का जो इसमें पानी रह गया हुआ था वो हम इसको फेंक देंगे, तो जो कि मैं फेंकने के लिए फेंक के आ गई हूँ। और अब हम इसमें अपने स्पाइसेस जो है ना ऐड करके इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ, मैं कोरिएंडर पाउडर ले रही हूँ। मैं तकरीबन आप 1 टीस्पून के हिसाब से, आप अपने हिसाब से ले रहे हैं जितने विंग्स हैं, ठीक है? मैंने 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ टर्मरिक पाउडर, जो कि वो भी मैंने 3 से 4 पिंच ले लिए, ठीक है? वो भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इसमें, ये बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। और जी गाइस, अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिक्स मसाला, वो भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। सारे मसाले आराम आराम से हम जो है ना इसमें ऐड करेंगे। और ये मैं ले रही हूँ रेड चिली पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है, 1 टीस्पून लिया है मैंने, वो जस्ट इसलिए लिया है, ये कश्मीरी पाउडर है, वो इसलिए लिया है क्योंकि विंग्स में जो कलर आता है ना वो इसी से आता है। सो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, वो भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट, वो भी टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे, वो भी मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया है। और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना नमक ऐड करेंगे इसमें, अगर आप जितना खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे साथ साथ जो है ना अरू की स्टडी चल रही थी और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मैं इसको फिर किचन में ही ले आई थी। और यहाँ पे जो है ना 1 टीस्पून से थोड़ा कम इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, फ्रेश आप जो है ना ब्लैक पेपर ऐड करें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मैंने भी फ्रेश ही यहाँ पर ग्राइंड किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून से कम ही आप कह लें 3 पिंच मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स। और इसके मसाला ऐड करने के इस बीच में जो है ना अरूश को कुछ पूछना याद आ गया था, तो बस वो मैं अरूश को गाइड कर रही थी और वो जो क्वेश्चन जो है ना याद कर रही थी वो जो है ना पेज गायब हो गया था। सो बस यहाँ पे मैं उसको ये बता रही थी कि ये वाला याद करना है, पेज कहाँ गया, वो ढूंढ रही थी। तो ये सब चीज़ें भी साथ साथ चल रही थी। तो यहाँ पर ना मैं अरूश को
पढ़ के बता रही थी क्वेश्चन, और उसने इसका आंसर याद करना था क्योंकि एमरेट्स का एग्ज़ाम था। सो बस यहाँ पे थोड़ी स्टडी जो है रुश के साथ चली थी, फिर वापस हम अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे इसके बाद। और गाइस ये रेसिपी जो लाजिम ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजिम दिया करें हर रेसिपी का, हर ब्लॉग हर वीडियो का, आपको कैसी लगी। और यहाँ पे देखिए अब हम लास्ट में ऐड कर रहे हैं योगर्ट। योगर्ट मैंने 3 टेबलस्पून जो है ना वो ऐड किए हैं यहाँ पे, और बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। स्पैचले से कर लें, स्पून से कर लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने जो है ना देसी तरीका अपनाया, मैंने हाथ ही अंदर जो है ना डाल दिया और मैंने जो है ना हाथ से इसको अच्छे से मिक्स किया, और वैसे देसी तरीके से ही अच्छे से मिक्स होता है। तो ये अच्छे से हम इसको वेल मिक्स करेंगे और इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 20 से हाफ़ एन आवर। ठीक है, मैंने हाफ़ एन आवर रखा था। सो गाइस यहाँ पे जो है ना अच्छे से हमारा जो विंग्स है ना हमारे वो मैरिनेट हो गए हैं, और बस अब हम इसको कवर करेंगे। आप इसको जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है ना कश्मीरी मिर्च जो है ना वो थोड़ी सी 2 पिंच और डाल दी थी, क्योंकि जो कलर जो है ना मुझे इसका थोड़ा डार्क चाहिए था। अरूश खड़ी है वे मेरे पास और खड़े होके वो साथ अपना याद कर रही है, और जो है ना बच्चों को भूख भी लग रही थी यहाँ पे, मुझे खुद भी भूख लग रही थी। सो ये जो है ना फ्रेश फ्रेश ही बना हो और अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा ये मैं फ़्रेश ही बना के और फिर उसी टाइम ही सर्व करेंगे। सो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा मसाला लग गया है, सब कुछ अंदर मिक्स हो गया है, और अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर मैं करूँगी एक पेपर के साथ जो कि मैंने मार्केट से बाय किए हैं। मुझे ये पेपर जो है ना बहुत ही पसंद आए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये कवर करने के लिए पेपर्स हैं, तो मैंने ये ला के रखे हुए हैं। जब भी कोई चीज़ जैसे आपने कोई फ्रिज में फ्रीज़ करके रखना है तो बस जस्ट आप ये निकालें और ये कवर करके रख दें। बाज़ हमारे शीशे के बॉल्स होते हैं उनके साथ जो है उनका कैप अवेलेबल नहीं होता, तो हम इसको ऊपर से यूज़ करके कवर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हाफ़ एन आवर कंप्लीट हो गया था, और मैंने प्रेशर में ही डाल के इसको स्टीम पे रखा था, और सिर्फ 10 मिनट रखा था मैंने प्रेशर बंद करके। उसके बाद मैंने प्रेशर जो है ना खोल दिया था और उसको 10 मिनट वैसे ही स्टीम धोने दिया था। तो यहाँ पे बहुत हाई फ्लेम कह रही हूँ, बहुत ही स्लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ देखें 10 मिनट प्रेशर के बाद निकालने के बाद ये 10 मिनट जो है ना मैंने ढक्कन से कवर किया था। तो यहाँ ये देखें फाइनल लुक के हमारे जो विंग्स हैं ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं और बहुत ही यमी डिलीशियस बने थे। ये रेसिपी लाजिम ट्राई कीजिएगा, हम इसको इन्जॉय करेंगे अब कोल्ड पेप्सी के साथ, और पेप्सी के साथ तो इसका मज़ा ही दोबारा हो जाता है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।